गुड मॉर्निंग. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें आपने मेरे को टॉपिक बोला था गवर्नमेंट बजट, तुम्हारा से रिवाइज करा दीजिए. ठीक है, सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट रिवाइज होंगे. तो आई एम स्टार्टिंग विद द रिवीजन ऑफ गवर्नमेंट बजट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ए बजट? बजट इज अ फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज टाइम टू टाइम अनाउंस करती है अपनी इकोनॉमी में, जो भी पैरामीटर्स को देखते हुए कुछ पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस लाने होते हैं. ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज इनहेरेंट इन द गवर्नमेंट बजट. गवर्नमेंट एवरी ईयर बजट बनाती है और उसको 1 फरवरी को अनाउंस करती है. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का बजट है हमारे सिलेबस में. डू यू नो इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर? देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना अपना बजट बनाती हैं. ठीक है, सबका फंडा जो है वो सेम है, लेकिन हमारे सिलेबस में वी हैव यूनियन गवर्नमेंट बजट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है वो बजट हमने पढ़ना है. ठीक है, तो ये बजट गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है. बजट बनाया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड लास्ट टिल 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2021 को बजट अनाउंस किया तो दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम, उसकी जो टेन्योर है वो कब स्टार्ट होगी? April 1, 2021 till 31 March 2022. ठीक है, अब क्या होता है बजट? बजट एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट इस आने वाले साल में गवर्नमेंट को कहां कहां से कितना पैसा मिलना है और गवर्नमेंट ने वो पैसे को कहां कहां स्पेंड करना है, उसकी एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट एडवांस में बनाती है. अब देखो, 1 फरवरी 2021 में अनाउंस हो गया, लेकिन स्टार्ट कब से होना है? अप्रैल 1 से. तो ये 12 महीनों में गवर्नमेंट की जो इनकम है, एक्चुअल नहीं है, वो हमें एक्चुअल का पता चल जाएगा? नहीं. हाउ डू वी नो अबाउट फ्यूचर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट? वी डू नॉट नो. ठीक है, वी कैन जस्ट हैव एन estimate. So it is a statement showing estimated receipts and estimated expenditure of the government for the coming financial year. Got it? अब budget basically दो parts में divided होता है. एक तो ये कि आने वाले साल में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट को कहां कहां से रिसीट्स आनी है, गवर्नमेंट ने उसको कहां कहां खर्च करना है, उसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. क्यों? गवर्नमेंट की रिसीट्स कहां से आती है? मेन सोर्स है टैक्स. टैक्स कौन देता है? हम लोग देते हैं. ठीक है, तो हम हमेशा यही चाहते हैं, जनरल पब्लिक हमेशा कम से कम टैक्स देना चाहती है. मेरा खर्चा है, उनकी इनकम है. ठीक है, तो मैं हमेशा चाहूंगी मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम रहे. तो इसीलिए हर साल मेरे को इंटरेस्ट है कि देखते हैं इस बारी बजट में क्या नया है, कॉमन मैन क्या जानना चाहता है ज्यादातर, कि टैक्स रेट में कुछ कमी आई, चेंजेस आए या नहीं, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. ठीक है, सो उसी एक्साइटमेंट में हम ये भूल जाते हैं कि बजट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, क्योंकि हमारा उसमें खास इंटरेस्ट भी नहीं होता. बट लीगली बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तो मैंने बता दिया कमिंग फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या रहेगा. दूसरा पार्ट जो है दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर. आज गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा यहां यहां से हम इतना आएंगे, उसको हम खर्च करेंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम कोविड के लिए हॉस्पिटल खोलेंगे, हम ऑक्सीजन की इंडस्ट्रीज खोलेंगे, सो. ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आया, यू हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट
कि वो बताए कि उसने जो पिछले साल क्लेम किया था उसके वो ऑब्जेक्टिव्स किस एक्सटेंट तक फुलफिल हुए हैं। सो वो दूसरे हिस्से में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को लेमैन को पता नहीं होता है तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बजट के पहले वाले हिस्से में इंटरेस्टेड होते हैं, विच इज एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब आपको ये बात पता चल गई, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, इट इज द स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, सो बजट क्या होता है वो हम ये मीनिंग पता चल गया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम बाद में करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाती है, बजट बनाती है, ठीक है, कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है या कहाँ से कितनी रिसीट्स लेनी है, वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के बनाती है। देर आर सर्टन, अनुष्का आर यू लिसनिंग, देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो, ठीक है, या हमने पॉलिसी बनाई है कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पास कराना है, ठीक है। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी जब बजटरी पॉलिसी बनाती है, इट कीप्स सर्टन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स बेटे? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन जनरली आ जाता है, मैंने भी शायद फर्स्ट क्वेश्चन डाला था, वो हम इसको करने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट कीप्स सर्टन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फर्स्ट वन बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस बजट एज रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। वी नो दैट देयर एग्जिस्ट इनकम इनइक्वालिटीज इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पता है सबको, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर एंड गेटिंग पुअर, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इस गैप को गवर्नमेंट हमेशा सीक्स टू रिड्यूस दिस गैप, हाउ, थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। दो इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट यूज करती है, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कह लो या सब्सिडीज कह लो, ठीक है। क्या करती है गवर्नमेंट? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर? ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें As the income increases, tax rate also increases. देखो बेटा किसका? As the income increases, tax rate also increases. यानी अगर मेरी इनकम 1 लाख है, मेरे ऊपर, yes, be attentive बेटे, अगर मेरी इनकम 1 लाख है, गवर्नमेंट मेरे ऊपर 10% टैक्स लगा रही है, ठीक है। आपकी इनकम 2 लाख है, गवर्नमेंट आपके ऊपर 20% लगा रही है। जिसकी इनकम 30 लाख है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 30% या 35% टैक्स लगा रही है, ठीक है। यानी एज द टैक्स रेट इंक्रीजेस, सॉरी, एज द इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट आल्सो इंक्रीजेस। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे तो रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, ऑब्वियसली हायर इनकम ग्रुप के ऊपर, वो टैक्स रेट से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट पुअर के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड कर देगी। इससे क्या हुआ, ये देखो, ये रिच है, दो कैटेगरीज है हमारे पास, रिच एंड पुअर। गवर्नमेंट ने बजट बनाया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे मैं ज्यादा टैक्स लूंगी। तो रिच के पास थे 1000 रुपीज, उसमें से गवर्नमेंट ने ले लिए
₹300 in the form of tax. Poor की income थी ₹100, इससे ₹300 लेके government ने इसके ऊपर खर्च दिए. जब government ने इसके ऊपर पैसे खर्चे, ऐसे नहीं दे सकती government इससे लेके इसको दे दे. No, this is not done, right? So government has to make use of certain tools. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनके वेलफेयर के ऊपर, गवर्नमेंट ने सड़कें बनानी शुरू कर दी ₹300 की, जिससे इनको एम्प्लॉयमेंट मिली और इनकम मिली. ये ₹300 इनके पास आ गए. गॉट इट? तो इससे क्या हुआ, इनकी इनकम कितनी हो गई और इनकी इनकम कितनी रहेगी? तो क्या हुआ, ये इनकम इनइक्वालिटीज दूर होगी, इनके बीच का जो गैप था वो कम हो गया. ठीक है, एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने एक एलपीजी योजना पीछे बनाई थी, दैट वाज लाइक बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ठीक है, गवर्नमेंट ने गैस सिलेंडर्स फ्री बांटे उस योजना में, उज्ज्वल योजना है ना, तो उजाला योजना शायद. तो उसमें गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर्स रूरल हाउसहोल्ड लेडीज को फ्री में बांटे. तो विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव थ्रू दिस? This is redistribution of income and wealth. ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज सिलेंडर या फ्री सिलेंडर दिए, जिससे उनकी नेसेसिटी फुलफिल हुई. यस, ठीक है, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए. सो दिस ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. सेकेंड ऑब्जेक्टिव विच गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स बजट इज एलोकेटिव ऑब्जेक्टिव. That is reallocation of resources. अब resources क्या है? कम है हर कंट्री में, resources की shortage है, scarcity है. ठीक है, तो दूसरी बात, resources are allocated through market forces. मतलब हमारी कंट्री में market forces से resource allocate होते हैं. रिसोर्स, कोई भी एक रिसोर्स ले लो, लैंड. मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ? मैं चाहूँ तो इसके ऊपर खेती बाड़ी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो स्कूल खोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो फ्लैट्स बना के मैं बेच सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं शॉपिंग मॉल खोल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसके ऊपर सेलफोन बनाने की फैक्ट्री भी खोल सकती हूँ. मेरी चॉइस है, मैं क्या ओपन अप करूंगी. इसमें गवर्नमेंट मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है. मैं देखूंगी, मैं अपना सर्वे करूंगी, मैंने देखा कि सेलफोन की इंडस्ट्री खोलने में मेरा बहुत फायदा है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस लैंड को इसके ऊपर इंडस्ट्री सेटअप करूंगी. ऐसे ही होगा ना बेटे. अब मैं अगर ऐसा सोच रही हूं तो जिन जिन के पास लैंड है वो सब ऐसा सोचेंगे, वो खेती बाड़ी में नहीं जा रहे. क्यों नहीं जा रहे? एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है. ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्री खोल रहे हैं. मतलब रिसोर्सेज जो है वो किधर एलोकेट हो रहे हैं? जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. नो वन थिंक्स अबाउट सोशल वेलफेयर व्हेन द रिसोर्स एलोकेशन इज गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस. ठीक है, तो अब इंडिया में भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर. रिसोर्सेस कैसे एलोकेट हो रहे हैं? मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है, नाउ ऐसा चलता रहेगा तो बेटे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही सारा लैंड चला जाएगा, सोशल वेलफेयर वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा. अब आप बोलो तो ठीक है मैम, गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले सारा का सारा लैंड, गवर्नमेंट गाइड करे हमें, गवर्नमेंट हमें बताए कि भाई ये एग्रीकल्चर में जाना है, ये इंडस्ट्री में जाना है. अगर हम गवर्नमेंट को कंट्रोल दे देते हैं तो उससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. इकोनॉमी कैसे आगे चलेगी? ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ इट्स बजट. गवर्नमेंट ने एक हथियार ऐसा चुना जिससे कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स
फुलफिल हो जाए। कौन से ऑब्जेक्टिव्स बोलो? सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट सीक्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेस थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगेन गवर्नमेंट को कैसे करेगी गवर्नमेंट? फिर वही हथियार, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। जिधर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे रिसोर्सेज जाएं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो, हमारे रिसोर्सेज जिसकी प्रोडक्शन में जाएं, गवर्नमेंट वहां पर टैक्स कम कर देगी, सब्सिडीज देना शुरू कर देगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मुझे कहे भाई नहीं इसके ऊपर इंडस्ट्री नहीं खोलनी, चलो एग्रीकल्चर खोलनी है, मेरे को कोई इंसेंटिव तो नहीं दे रही गवर्नमेंट, मैं कहूंगी नहीं, आई विल नॉट अबाइड बाय द रूल। अब गवर्नमेंट ने दूसरा हथियार चुना, क्या? कि अगर आप एग्रीकल्चर सेटअप करोगे, एग्रीकल्चर करोगे तो आपको हम बिजली मुफ्त देंगे, सीड्स फ्री में देंगे, ठीक है, पानी फ्री का आएगा, सब्सिडी, दिस इज व्हाट सब्सिडी, और आपसे हम टैक्स भी नहीं लेंगे, तो फिर मेरा मन करेगा मैं एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर जाऊं, यस। और अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्शन करने की सोच रही हूं जो कि हार्मफुल है, चाहे वो लग्जूरियस हो या हार्मफुल है, उसकी प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट नहीं चाहती हो, है ना, सिगरेट्स, अल्कोहल, गवर्नमेंट इनकी प्रोडक्शन डिस्करेज करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? वैसे गवर्नमेंट, मैं बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं डिस्करेज करती, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू यहीं से आता है, ठीक है। तो अब उस इंडस्ट्री को जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, है ना। तो रीएलोकेट हो गए रिसोर्सेस, पहले क्या था, सारे रिसोर्सेस किधर जा रहे थे, इंडस्ट्री की तरफ, अब कुछ एग्रीकल्चर की तरफ और कुछ इंडस्ट्री की तरफ। रिसोर्सेज रीएलोकेट किए, क्यों किए? ये एलोकेटिव ऑब्जेक्टिव क्या कर रहे हैं? इट इज मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। सो इन वन सेट दिस क्वेश्चन वॉज देयर, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सीक्स टू फुलफिल विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो उसका राइट आंसर क्या था? जहां पर उन इंडस्ट्रीज की तरफ जहां पर वो रिसोर्सेज एलोकेट करना, वर्डिंग्स में भी डिफरेंट, ठीक है, लेकिन उस वर्डिंग्स को आप समझो क्या कहना चाह रहे एग्जामिनर। तो जहां से ये वर्डिंग से ये क्लियर हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज को वो इनकरेज करना चाहता है वहां पर वो टैक्सेस कम कर देता है, जहां पर वो चाहता है यहाँ सब्सिडीज ग्रांट कर देता है, और जहां पर वो रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करना चाहता वहां पर टैक्सेस ज्यादा लगा देता है, ठीक है। ऑल राइट, कमिंग टू द थर्ड ऑब्जेक्टिव, एनीवन, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। What is a stable economy? Stable कैसे? मतलब an economy free from business cycles. This is the answer I expect from economics student. What is a stable economy? An economy free from business cycles. ठीक है, stable ऐसे चलती है, तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इकोनॉमी वो होती है जिसमें बिजनेस साइकिल्स ऑपरेट करते हैं। व्हाट आर बिजनेस साइकिल्स? समटाइम्स देयर इज अ पीरियड ऑफ बूम, समटाइम्स देयर इज अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बूम ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशनरी फेज, it is the phase
in which prices are rising, profits are rising. Prices badh rahe hain, to producer ke profits bhi badh rahe hain. Yes? Production is increasing. Employment is being generated. No overproduction, no unemployment in the economy. Jo bana rahe hain, wo bik raha hai. To zyada employment karke zyada bana rahe hain, wo bhi bik raha hai. अच्छा फेज है, इन्फ्लेशनरी फेज, ठीक है. बट गुड टाइम्स नेवर रिमेन. जैसे हम कहते हैं ना, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छा भी हमेशा नहीं रहता, ठीक है. इट विल गिव वे टू डिप्रेशन. देयर इज, ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने कहा है तो हम कह रहे हैं, ये रिलीजियस मैटर नहीं है. देयर इज अ फुल फ्लेज लॉजिक बिहाइंड इट. What gives way to depression? Though it's, अभी हम नहीं करेंगे, हमारे स्कोप से बाहर है. So, depression कौन सा फेज है? Very low economic activity, low prices, profit margins decreasing. जब profit ही नहीं मिल रहा, what will producers do? They will produce less. As a result, unemployment will be there. ओवर प्रोडक्शन विल बी देयर, ठीक है. डू वी वॉन्ट सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन अवर इकॉनमी? वी वॉन्ट एन इकॉनमी फ्री फ्रॉम, अगेन बजट कम्स टू अवर रेस्क्यू. ये चलने बेटे, जिस इकॉनमी में कैपिटलिज्म है, जिस इकॉनमी में इंडस्ट्रीज मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनमें बिजनेस साइकिल्स आने ही आने हैं. तो हम इनको कंट्रोल तो कर सकते हैं ना, आने हैं, आके इनको भगा तो सकते हैं, ठीक है. सो बजट इज एन एंटी साइक्लिकल वेपन. हाउ बजट इज यूज्ड टू कंट्रोल दीज साइकिल्स? अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक डिजीज है जिसका नाम कहां से शुरू हो रहा है? डी से. तो इसको जो मेडिसिन देनी है, उसका नाम भी कहां से स्टार्ट हो रहा है? डी से. याद रखना है बेटे, ये टिप्स होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आप सोचने बैठोगे, टाइम निकल जाएगा. अगर आपने पहले ही माइंड में बिठाया हुआ है कि अगर डिप्रेशन है तो डेफिसिट बजट का इस्तेमाल करना है. कैसे याद किया? डी डी, तभी पहले डिप्रेशन बता रही हूं. व्हाट इज अ डेफिसिट बजट? जहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रिसीट से ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है. गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी. प्रोडक्शन, आप बेटे घर में भी ये काम कर सकते हैं, देयर वाज नो नीड टू कम एक्चुअली. दैट्स व्हाई यू गेट लेस मार्क्स इन स्पाइट ऑफ योर 100% अटेंडेंस इन द स्कूल, बिकॉज योर माइंड इज नेवर हेयर. सो when expenditure, more expenditure is incurred by the government, what happens? Employment generate होती है, production बढ़ती है, income बढ़ती है. होता है ऐसे, लोगों की income बढ़ जाएगी, लोग market में जाएंगे चीजें खरीदने के लिए, जाएंगे बेटे. जब demand बढ़ जाएगी goods की, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. डिप्रेशन क्या है? गुड्स की डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे. अब हमने सर्कल को कैसे तोड़ा? लोगों की इनकम बढ़ाई. लोगों की इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है. On the other hand, if there exists
inflation in the economy, government should make use of surplus budget. कौन सी पॉलिसी है जिसमें एक्सपेंडिचर कम है रिसीट्स ज्यादा है, यानी गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, खर्चा कम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी तो इनकम कम बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी लोग मार्केट नहीं जाएंगे, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम होने लग जाएंगे, यानी इन्फ्लेशन, डिमांड कम है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे ना बेटे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे हमारा जो साइकिल्स हैं उनको हम अवॉइड या कंट्रोल कर रहे हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑल राइट, विच इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? हाउ डू वी से इकोनॉमी इज ग्रोइंग? देयर इज राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपिटल फॉर्मेशन। अमितोस विल यू बी क्वाइट एंड बी फोकस्ड? सो कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जितनी ज्यादा लोग सेविंग करेंगे और जितनी ज्यादा वो इन्वेस्ट होगी उतने कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, मशीनरीज, ये सब चीजें बढ़ेंगी, है ना। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो बाय इन्फ्लुएंसिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट इन आवर इकोनॉमी, गवर्नमेंट कैसे बजट में कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपने बजट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा अनाउंस कर सकती है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, ठीक है। Shall I resume? So these are the objective. एक दो अगर होंगे तो सिंपल से होंगे, रिविजन में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, ठीक है। कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो बजट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली बजट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट कंप्राइजेज ऑफ revenue receipts and revenue expenditure of the government. Capital budget comprises of capital receipts and capital expenditure of the government. ठीक है, but हम इसको पढ़ेंगे अलग तरह से। हम पहले receipts पढ़ेंगे, budgetary receipts के बारे में, फिर budgetary expenditure के बारे में। Budgetary receipts, receipts of the government in the coming financial year from different sources. It is classified into two categories, revenue receipts, capital receipts. What are revenue receipts? Those receipts of the government which do not affect asset or liability status of the government. More specifically, it does not reduce asset nor creates liability. These receipts are classified into two categories, tax receipts, non-tax receipts. Tax receipts, which we get from tax,
What is a tax? Compulsory payment made by the public or the firms to the government. Government does not guarantee any proportionate benefit. ये नहीं है कि मैंने टैक्स ज्यादा दिया तो गवर्नमेंट मेरे घर के आगे की सड़कें बना के चली जाएगी. कोई प्रोपोर्शनेट बेनिफिट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. टैक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स. व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स? राइट. इट इज इम्पोज्ड ऑन income, property and wealth of the person. It is paid by the person on whom it is legally imposed. That is, its impact and incidence falls on the same person. Its burden cannot be shifted. So give some examples of direct taxes. Income tax, corporate tax, gift tax, property tax, wealth tax. ठीक है. All right.